गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है ट्रैवल व्लॉग, और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे बताते हैं। अभी फिलहाल गाड़ी में हम खाने पीने का सामान रख रहे हैं और बच्चे लोग अपनी अपनी सीट पकड़ रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता, इनको बैठना तो गोदी में ही है। oh, no. तो चलिए अब करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जी हाँ, हम जा रहे हैं अमरनाला डैम और मानिकगढ़ फोर्ट। पहले हम जाएंगे मानिकगढ़ फोर्ट, उसके बाद हम जाएंगे अमरनाला डैम, जो दोनों गढ़चांदूर में ही स्थित है। अभी हम APJ अब्दुल कलाम गार्डन तक पहुँच गए हैं, इसका भी व्लॉग मैं जल्द अपलोड करूँगा। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी हम फिलहाल राजूरा में ठहरे हैं चिप्स वगैरह लेने, हमने चिप्स ले लिया और बाकी के गाड़ी में जाके बैठ गए हैं। रास्ते में बहुत सारे गड्ढे और हमारी हिलती हुई गाड़ी देखकर आप अंदाजा कर ही सकते हैं कि हम कहाँ आए। तो जी हाँ, हम आ गए हैं गढ़चांदूर में। मानिकगढ़ फैक्ट्री से आप राइट ले लीजिए तो आपको लगेगा ज्योति रोड। थोड़े दूर जाने के बाद आपको एक तालाब आएगा, तो ये है अमरनाला डैम। तालाब पार करते ही आपको घाटी वाला रोड लगेगा। आपको ऐसे लगेगा कि मानो आप कोई हिल स्टेशन जा रहे हो। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं मानिकगढ़ फोर्ट। यहाँ पे मानिकगढ़ फोर्ट है, अभी हम वहाँ पे जाएंगे। तो चंद्रपुर से यहाँ तक आने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। तो आज गुरु नानक जयंती थी, इसलिए हमने प्लान किया कि आज घूमने निकलते हैं। और हम यहाँ पे थोड़ा मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे पीछे। अभी हमारा यहाँ पे टाइम पास करके हो गया है, अभी हम जा रहे हैं मानिकगढ़ फोर्ट के पास। तो अभी हम पहुंच गए हैं मानिकगढ़ फोर्ट, बस यहाँ पे भी गाड़ी पार्क की है। अभी सामने मेरे यहाँ पे टिकट है, और वहीं पे आपको मिलेगा ये लकड़ी से बना हुआ विश्राम गृह, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं या फिर खाना खा सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये कुछ कुछ जगह टूटा हुआ भी है। तो ये रास्ता ज्योति की तरफ जाता है, और यहाँ से जाते हैं मानिकगढ़ फोर्ट। चलिए, अभी हम आधे रास्ते तक आ गए हैं। यहाँ से फोर्ट की दीवार तो दिख रही है। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे। तो अब हम आ गए हैं मानिकगढ़ किला, और ये मानिकगढ़ का मुख्य द्वार, और मेरे जो पीछे यहाँ पे पूरा खाई है, और अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं आगे का क्या क्या देखते हैं हम। पहाड़ों के ऊपर होने की वजह से ये मानिकगढ़ किला एकदम सुंदर और देखनीय स्थान है। ये गढ़चांदूर का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। किले की ऊंचाई समुन्द्र से लगभग 507 मीटर की है। मानिकगढ़ किले का निर्माण तकरीबन 9वीं शताब्दी के करीब हुआ है। गढ़चिरौली जिले में स्थित वैरागढ़ किला, जो उनके पहले नागवंशीय राजा कुरुम प्रहलाद जी का था, जो एक माना जाति से आते थे,
उसी माना जाति से एक राजा महिंदुयोल, उन्होंने मानिकगढ़ किले की स्थापना की है। ये किला तो पूरा भूलभुलैया लग रहा है। तो ये मैप है इस किले का कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है। तो अभी हम फिलहाल तो जा रहे हैं रानी तालाब, फिर वहाँ से पूरा गोल घूम के जाते हैं नीनाज, निज़ाम गोंदी, नंबर 2 वॉच टावर, पगोड़ा, फिर आते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अभी आधा घंटा है घूमने के लिए। तो अभी हम तालाब के पास जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम पूरा गोल घूम के आएंगे, फिर से वापस जहाँ से चालू किया था, जहाँ पे मैप है वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फिलहाल सिर्फ आधा घंटा है और फिर आधा घंटे में हमको निकलना भी पड़ेगा। मानिकगढ़ ये नाम उनके मानववंशीय नाग राजाओं की जो अग्रदेवी थी मानिक्य देवी, उनके ऊपर से ये किले का नाम मानिकगढ़ हुआ है। तो ये है रानी तालाब। अभी हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चढ़ रहे हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी चढ़ान है। अभी हम लोग जैसे तो भी चढ़ के आ गए और मेरी वॉच में 7000 से दिखा रहे हैं। 4000 ये देखो यहाँ पे अकिल जारोंडे ब्लॉगर बंदर बनते हुए। अभी हम अपनी एनर्जी रिस्टोर कर रहे हैं चॉकलेट खा के। तो अभी हम जा रहे हैं किले के बाहर और हम इसके बाद जाएंगे अम्मल लाला डैम, वहाँ पे हम बहुत मस्ती करेंगे। पानी है, डैम कौन से साइड में पता नहीं, लेकिन अभी फ्लो होता है वहाँ पे जाना है हमको। लेकिन हम गार्डन में जरूर जाएंगे। तो अभी हम पहुँच गए हैं कार पार्किंग में, अभी यहाँ पे हमारे सबसे लास्ट में कार पार्क करके और यहाँ से हम जाएंगे सीधा अम्मलाला डैम। तो अभी हम पहुंचे हैं अम्मलाला डैम। सो ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन पानी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो सभी बोरो के घर जा रहे हैं। तो ये जगह किसको पसंद आई? मुझे, पर अभी पानी फ्लो नहीं हो रहा। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं वापस वहाँ पे जो भी गार्डन है और वहीं पे हम कुछ खेलेंगे। अगर वहाँ पे कुछ अच्छा पानी रहा तो वहीं पे खेलेंगे, पर हमें पानी में खेलना ही है। तो अभी मैं अम्मलाला गार्डन में पहुँच गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्डन, पीछे मेरे तालाब है और ये ग्रीनरी ग्रीनरी गार्डन और यहाँ पे शेड लगा के है। गार्डन जो मेरे पीछे है वहाँ पे थे और ऑलमोस्ट 6 बजे वो बंद हो जाता है, इसलिए अब अभी हम घर जा रहे हैं। और अभी शाम के 6 बजे है और फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं अपने घर। तो हमने तो बहुत इंजॉय किया, फोर्ट पे चढ़े पूरा थक गए और यहाँ पे गार्डन में भी इधर उधर गए, खाना वगैरह खाया जो हमने पार्सल लाया था घर से,
और अभी हम निकल रहे हैं अपने घर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।